Hello students, let's see the options. So the option is having assertion and reason. We have to select the right option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is curd is less nutritious than milk. ये गलत दिया हुआ है क्योंकि हमें पता है कि जब यहाँ पे मिल्क से कर्ड बनता है तो हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है विटामिन बी ट्वेल्व भी सिंथेसाइज करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कर्ड का न्यूट्रिशियस वैल्यू अगर हम देखें ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मिल्क। तो यहाँ पर अगर हम देखें कर्ड का फॉर्मेशन में क्या होगा कि पहले क्या होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होंगे मिल्क के शुगर जो है उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन होगा जिससे क्या बन रहा है कर्ड बनेगा। अगर हम देखें कर्ड फॉर्मेशन तो हो रहा है साथ साथ में ये जो बैक्टीरिया है ये विटामिन बी ट्वेल्व भी सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे विटामिन बी ट्वेल्व जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ विटामिन बी ट्वेल्व इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से यहाँ देखें तो इसका न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मिल्क, ये तो गलत दिया हुआ है। रीजन क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड चेक्स ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये तो सही दिया हुआ है। अगर हम देखें मिल्क के अंदर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं ये चेक करते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उनको एक तरह से क्या करते हैं वहाँ पे उनका ग्रोथ नहीं होने दे रहे यहाँ पे, तो ये जो है ये गलत है ये सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन, गलत दिया हुआ है यहाँ पे असर्शन तो फॉल्स है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द असर्शन, ये भी गलत दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें असर्शन जो है ट्रू नहीं है फॉल्स है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, गलत है। असर्शन ट्रू नहीं है फॉल्स है एंड रीजन फॉल्स नहीं ट्रू है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये करेक्ट है असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है, करेक्ट आंसर विद दिस फोर्थ वन। वो भी अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।